नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। चुनाव जीतने के बाद पहली बार नई दिल्ली पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी अध्यक्ष से मिलने के बाद कहा कि आज अच्छी मीटिंग हुई, अब अगले काम की बात की है। जो भी अध्यक्ष जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा और जो भी मुझे काम दिया जाएगा मैं वही काम करूंगा। बता दें, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मेरे लिए जो भी भूमिका तय करेगी मैं उसे निभाऊंगा। मैं पार्टी जो भी तय करेगी मैं वही करूंगा और राज्य के साथ साथ केंद्र में भी मैं शामिल रहूंगा। राजनीतिक हलकों में अहम मानी जा रही इस मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान के सोशल मीडिया पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक फोटो भी शेयर कर उन्होंने नीचे लिखा कि आज नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से भेंट की। इस दौरान राष्ट्र उत्थान, लोक कल्याण एवं जनसेवा के विषय में चर्चा की गई। सेवा ही संकल्प है और इसके ध्येय के लिए भाजपा के हम समस्त कार्यकर्ता समर्पित हैं। वहीं अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शिवराज सिंह चौहान को पार्टी में सम्मानजनक स्थान और दायित्व दिया जा सकता है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट गठन को लेकर इस पर सुझाव जरूर लिए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की बुधनी सीट से विधायक शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री और पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा रहे हैं। उन्हें संगठन में राष्ट्रीय उपाध्याय का पद सौंपा जा सकता है। बताते चलें, लोकसभा चुनाव में केवल 3 महीने बचे हुए हैं और लिहाजा मोदी मंत्री परिषद का विस्तार मुश्किल ही है। ऐसे में उनके फिलहाल केंद्र में मंत्री बनने की संभावना कम है। वहीं बता दें, आने वाले लोकसभा चुनाव में चौहान विदिशा की अपनी पुरानी लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। विदिशा सीट से चौहान 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इसके साथ ही 2024 में अगर फिर से सरकार बनती है तो शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव में किसी बड़े राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही दक्षिण के राज्यों में पार्टी का काम करने की बात कहकर शिवराज ने इस बात के संदेश भी दे दिए हैं। अब आपको बता दें कि साल 2018 में हार के बाद शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय संगठन में जिम्मेदारी दी गई थी। तब उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था और पार्टी के सदस्यता अभियान का दायित्व भी दिया गया था।